नमस्कार, एमकेएन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा देर रात कुम्हावी में हुए बस हादसे का निरीक्षण करने घटना स्थल पर पहुंचे, जहां दुर्ग रेंज आईजी और संभाग कमिश्नर ने बस हादसे की जानकारी गृह मंत्री को दी। वही निरीक्षण के पश्चात गृह मंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस हादसे में घायल लोग एम्स में भर्ती है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और दो लोगों की हालत गंभीर है, बाकी सब स्टेबल है। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि जो बस के ड्राइवर हैं उनकी हालत में भी सुधार है। उनसे में भी बात हुई और उनका कहना है कि बस की लाइट बंद होने के कारण ये घटना हुई है। गृह मंत्री शर्मा ने कहा कि कंपनी वालों और आरटीओ वालों को भी बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि बस का इंश्योरेंस है और कंपनी ने ग्रुप का भी इंश्योरेंस कराया हुआ है। कंपनी द्वारा भी पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। लोग भर्ती हैं, उनमें से दो की हालत थोड़ी गंभीर है, बाकी सब स्टेबल है। गुरमु करके ड्राइवर है, मतलब पहले दूसरी सूचना थी, अभी वो पता चला कि ड्राइवर हैं वो। उनसे बात भी हुई मेरी, तो वापस आते समय वो बता रहे थे कि बस का लाइट बंद हो गया और फिर उन्होंने ब्रेक लगाया तो शायद रोड की वजह से या जैसे भी ये हादसा हुआ। कंपनी वालों को भी बुलाए थे, अभी उनसे भी बात हुई, केडिया वालों से, उनकी ही बस है। आरटीओ वालों को भी बुलाए थे, उनसे भी बात हुई। तो अभी इसका इंश्योरेंस तो बस का है और फिटनेस भी है, वो अलाइव है दोनों। दूसरा, कंपनी से बात हुई तो उन्होंने ग्रुप इंश्योरेंस भी कुछ कर रखा है, तो बस का इंश्योरेंस है, ग्रुप का इंश्योरेंस है और कुछ कंपनी ने कुछ अपनी तरफ से कहा है कि वो कुछ सहायता राशि सबको करेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक परिवार जो चाहेगा उनको एक नौकरी भी देंगे। इसके अतिरिक्त भी सरकार भी चिंता कर रही है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय एम्स भी पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बहुत स्पष्टता मुझसे कहा है कि सारी परिस्थितियां समझकर मैं आऊं और उसके बाद आयोग से बात करके जो संभावनाएं जैसी स्थितियां होंगी उस तरीके से आगे बढ़ा।